मौसमी चटर्जी एक ऐसी अभिनेत्री है जो हिंदी और बंगाली मूवी में काफी मशहूर थी। उन्होंने राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार और विनोद मेहरा जैसे बॉलीवुड की सितारों के साथ काम भी किया है अपने करियर में। आपको बता दें कि 70s में इतना मशहूर हो गई थी वो कि उन दिनों में उन्होंने हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अपना नाम भी जोड़ दिया था। पर अब ये एक्ट्रेस कहाँ पर है, क्या करती है और कैसे दिखती है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में। इससे पहले आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे आप पाएगी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। साल 1948 में उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे और नाना थे कोर्ट के जज। साल 1967 में उन्होंने बंगाली मूवी बालिका बधू के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि मौसमी बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, जब वो क्लास 10 में पढ़ रही थी तभी उनकी डेब्यू मूवी बालिका बधू रिलीज हो गई थी और ये मूवी सुपरहिट होने के बाद बहुत सारी मूवीज के ऑफर्स आ रहे थे उनको, पर ये सब मूवी के ऑफर्स वो ठुकरा रही थी क्योंकि उन्हें तभी अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी। इसी दौरान उनकी आंटी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मौसमी की शादी देखने को मिले, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पड़ोसन और फेमस म्यूजिक कंपोजर हेमंत कुमार के बेटे जयंत से शादी कर ली। और इसके बाद 1972 में उन्होंने अनुराग मूवी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू दिया। इसके बाद एक के बाद एक हिंदी मूवीज में काम करने लगी मौसमी और साल 2015 में उन्होंने आखिरी बार देखा गया 𝕔𝖾𝖺 मूवी में। अभी मौसमी का उम्र है 70+ और अभी भी वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।